गुरु रूप गुरु के अनुसार संग जीओ सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज जी हजूरी जुड़ बैठे हैं। गुरु वालों बख्शी फतेह प्रवान करो। गज के आखो वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। मैनूं अज इत्थे आ के पता लग्या मैं खबरां घट वेना है शिवसेना वालिया ने कहा समागम नहीं होने देना प्रशासन को चिट्ठी दिती है। मेरी प्रशासन अपील है भी तुम ना इन्हों रोकया ना करो तुम आन दया करो कि इतने आन गए तो अभी बैठा के नाम बाणी पढ़ावे इन्हों प्रशासन अपील करना कि तुसी एक लाखवां कोटा रख लो कि असी इन्हां बंदियां नूं सिक्योरिटी देण लई परती वक्री शुरू कर दिओ क्योंकि इन्हां सिक्योरिटी लैण लई कदी अपने बंदियां दे आप गोली बनाउणी हुंदी है कभी पुठे सीधे बयान दे के सिखों को जुतियां खानियां होंदियां। तो इहदे नाल चंगा भी तुसी इक कोटा हुकूमत नाल गल कर लो पक्का ऐलान करके रख दिओ कि भाई इह शिवसेना जिहड़ी इन्होंने तो शिव जी का नाम बदनाम कर दिता। मैं समझ नहीं आती कि अपने देवी देवतियां के नाम से साना बना के काम करने ने डरपोकों वाले कैरों वाले ये कहते भी समागम रोकना है। मैं नौजवानों ने मैं पता नहीं थी भी इतने अमृत संचार होना है तो जो मैं आन के पूछा कि प्रोग्राम वो कहते अमृत संचार के संबंध च है तो मैं उन्होंने कहा भी इन्हें रोकना एक पास कहते भी देखो जी गुरु साडा गुरु है एक पास कहते अभी गुरुद्वारे जाने एक पास कहते गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी असी भी गुरु मानते हैं असी भी पैरोकार हाँ फिर दूजे पास जो गुरु का हुक्म है कि खंडे पाठ की बहुत छकनी है उस समागम का विरोध करता मतलब की अर्थ बनता है। तो इस करके जो मंग पत्र लै लिया करो पर मंग पत्र के नीचे पुलिस वाले मैं कहना भी इन्होंने कहा करो भी कोई गल नहीं तुम्हें भी जाओ समागम से जो जी प्रश्ना लैके आओगे जे इतने मन की तृष्णा विचार चर्चा की तो इतने बैठ के विचार हो जू जे मन की तृष्णा कि किसी ने मौर पत्ते करवाए तो परिवार भी आने के मतलब असी कहना बड़ी हथ चूड़िया पाइया मौत है।
बहुत भी ऐसी ना जीव जी मैं कई मावा फोन कर दी जे कई बंदे कहते हैं ना कि अमृतपाल सिंह ने तत्तियां गलां करके लोगों के पुट मरा देने ने मैं उन्होंने मावा दे कि आने वाले समय से तुम बयान दिखावे सुनावे जिड़िया कहदियां भी साडा पुट कौम किसी भी लेखे ला दो बंद बंद कटिया जाए सू पवा जी पर आज जो नशे का कोल है तो बचा दो तो असं चाहते हैं कि नौजवान जड़े ने परवानिया वागू शमर से सड़न पर परवाने जड़े ने शहीद जो प्राप्त करते हैं गुरु घर का झंडा उच्चा होता है हम की रहा हूँ अज के समय से जेड़े नौजवान ने सूरम गति वाले काम करने से वह नौजवान धियां भैन दिया चेंगियां खोदते फिरते हैं वह नौजवान चोरिया चकारियां करते हैं उन्होंने नशे का प्रबंध करने केड़ा केड़ा जुर्मा जरा नहीं करते सो ये हुकूमत के फायदे की गल है पंजाब के पिछलियां चार हुकूमत इस गल से वोटा लैके बनिया कि असी नशा बंद कर देंगे तो जे वो कहते कि असी नशा बंद कर देंगे तो फिर उन्हें नशा बंद किया नहीं अज की खबर है दो नौजवान इक्के पिंड के उन्होंने डोजा मार के ड्रग ज्यादा कर लिया नशा ज्यादा कर लिया तो उनकी मौत हो गई है हम उसके थले कोई कमेंट करी जाता कि ये भी सुन के शायद तत्तियां गलत सुन के मर गए हो मैं नौजवानों को अपील करता है कि क्यों आप बगैरती की मौत मरना है जे मरण का इन्ना चा है जे मन की इन्नी तृष्णा मन के कौम के उत्ते एड्डी विपता पई है इन्ने कौम दुखी है आप संघर्ष लिखिए आप कौम की आजादी का राह फड़िए उन्होंने सतगुरु सच्चे पातशाह की जी कृपा हो सब तो उच्ची दात जो सिखी के कोई हैगी तो शहादत की दात है आप अरदास करनी है कि कलगीधर पातशाह सानू वह दात बख्शो जिड़ी तुम चुन के लखां करोड़ों चो किसी एक सिख न बख्शते जो वह शहादत की दात है तो असं की मंगी जाने मावा भैन अरदास कर दिया ने कि सानू दुध की पुत की दात बख्शो तो मैं कल भी कहा कि दुध के पुत की दात मंगनी चंगी गल है पर जिहड़ा पुत सतगुरु सच्चे पातशाह ने दिता है जे मुड़ के उसकी झोली पाना पै गया तो फिर तुम हथ पछाण किए ये चंगी गल नहीं बाबा बंदा सिंह बहादुर जी गल चल रही थी इतने जंग हुई है उन्होंने शहीदी वेले उन्होंने चार साल का पुत्र अजय सिंह बाबा अजय सिंह उसका कलेजा कढ़िया गया सीना चीर के धड़कदा कलेजा बाबा बंदा सिंह बहादुर के मूझ तुरिया बाबा बंदा सिंह बहादुर अगर जो मुस्कुरा पाया हस पाया फरक्शी बादशाह जरा गुस्से च आ गया क्योंकि उसका मकसद बाबा बंदा सिंह बहादुर को ईद मनाना सी उन्हें दुखी होते वेखना सी जो बाबा बंदा सिंह बहादुर हसया उन्हें पूछा भी हसता क्यों है तो बाबा बंदा सिंह बहादुर ने हस के जवाब दिता कि गुरु किदा बेअंत है उन्हें अपने चार पुत्र अपने चार पुत्र खालसा पंथ की झोली पाए सन अज तेरे ते बख्शी कृपा करके मेरा एक पुत्र तेरे हथों अपनी झोली पा लिया तो अज असी उस बाबा बंदा सिंह बहादुर की इस इलाके खड़े हैं जिथे उन्हें आन के खालसा राज की नींह रखी थी अज सू समझना चाहिए है कि मावा भी असि उन्होंने सिखा जो हाँ जिन्हें मावा ने पुत्रां दे टोटे करा के गलों च हार पवाए ने मन सवा सवा मन के पीसने पीसे ने अज सारा जवाक एक एक है जो करोबार गवर्नमेंट चर्च है मावा का तरह जगह दर पता नहीं है कि साढ़े पैसा लगा ले इन्ने सौ आप ना बनीए जिन्हें बन गए हैं क्योंकि जे कौम चो गुलामी दूर करनी है जे किसी किस्म का संघर्ष लड़ना है जे असी चाहते हैं कि साडा राज आवे वो राज जिस राज की गल संसार करता है जिस राज की गल ये सारे हुकमरान करी जाते हैं भी बड़ा वधिया राज सी इतों के मंत्री संतरी आन के कहते भी महाराज रणजीत सिंह का राज बड़ा चंगा सी मैं उन्होंने सवाल किया कि जो एडा चंगा राज सी तो फिर जो नौजवान अब राज की गल करते क्योंकि जेल के होते जो क्योंकि चंगा राज सी चंगे राज नूं मोड़ लिआउणा कितनी माड़ी गल है पर गल यह है कि बारों बार यह सारी हुकूमत दिखावा करती है असीं सिखां दे आदर्शी हाँ अंदरों इन्होंने धरिया किया कि सिखां नूं खत्म करना है सिखां दे मूंह ते दाड़ी नहीं रहण देणियां सिखां दे सिरां ते केस नहीं रहण देणे ते मैं नौजवानां तुहानूं पुछदा हां कि जिहड़ी हुकूमत सानूं साडी पछाण नूं तोड़ना चाहुंदी है असीं उहदे पिछे क्यों लगणा है जे असीं किसे दे पिछे लगणा है ते उह कलगीधर पातशाह दे हुकम पिछे लगणा है उहदा हुकम मन के केस रखणे ने शस्त्रधारी होणा है शस्त्रधारी हो के जुल्म के खिलाफ जंग लड़नी है अज सा हालात की है सिरां ते रुमाल बन लैने गुरु घर जाण लगे बाहर जाके ला लैने ठंडे कभी किसी को मनवा ले कभी किसी नाई को मना ले तो मैं अगे भी सवाल नौजवान पूछना है कि जे अकाल पुरख की रचना से इन्ना ही भरोसा नहीं कि उन्हें जिवें ने सानू बनाया उवें ते ठीक है संसार नूं प्रवान होइए ज ना होइए
संत एक धारना पढ़ते सन मेरा रुसे न कलगिया वाला जग भावे सारा रुस जे ते असी की करते हैं कलगिया वाले को पहला नाराज करते हैं जग न मना तुर पे अज फैशन ये है कि खबे पास वाल कटाने ने कल सजे पास आता कभी अच्छा पैंट खुलिया करा लो थलियो कभी भीड़िया करा लो भैनों का भी फैशन इदा चलता रहता कभी कोई सूट आ गया कभी कोई आ गया यह जरा नित बदलता है जरा कराल का इना गुलाम है कि अज कुछ कल कुछ परसों कुछ ओके पिछे लगना जरा गुरु का बाण है गुरु का स्वरूप है जरा शरीर काल तो इको है जरा इको एक अकाल पुरख का स्वरूप है वह धारण करना जरा समय के गेट च नहीं जरा काल का गुलाम नहीं जिन्हें कदे नहीं बदलना सो इस करके आप फैसला कर लीए कि चुनना किनू है गुरु को चुनना है या दिल्ली को चुनना है जेडे नौजवान केस कदर फ्राई करते जो तुम दिल्ली पिछे लगे जो गुरु पिछे नहीं लगे सौ बहाने करिए आप हाँ जी साढ़े दिल च सीखी है की गल करी बादशाह दिल च सीखी सी जिन्हें सीखी पैदा की है जेड़ा खालसे का रचना हार है जेड़ा करता पुरख है उन्हें सिखी पैदा की खंडे पट की पौल तैयार करके पांच पैरों में अमृत छकाया जो आप दात मंगी है नीवे होके बेनती की है खालसे अगे पांच पैर अगे कि खालसे जी मैनू भी दात दो अमृत की उस गुरु की प्रख्या खालसे ने लही कि सतगुरु सच्चे पातशाह पांच पैर कहते कि असी तो गुरु साहब की सीस दिता तुम की दोगे गुरु साहब कहते समा आएगा खालसे नाल एक वादा है जो कुछ है सरबंस तक वार देंगे गुरु ने वह वादा पूरा किया हम तुम दसो भी असं वादा कर पूरा करना जेड़ा गुरु ना वादा है गुरु ने कहा पुत्र के शीस पर वार दिए संचार चार बोए तो क्या हुआ जीवन कई हजार जिन्हों वाल उंगल करके कहा उन्होंने चेहरे मोहरे गुरु ना मिलना उन्होंने हरकतना गुरु ना रन वह गुरु के सिख लगन ही ना सानू दसना पैदा नौजवानों मैं तो वेखदा कि घर हाथ पाया हों फिर भी पूछना पैदा भी भाई सिख जो वो कहते भी हाँ जी जी सिख हाँ तो मैं क्या जो दसना पै गया कि तुम सिख जो तो फिर कि माड़ी गल है कि शेर का पुत्र तुरै फिरे तो वह अपने गल च फटा लमका के तुरै फिरे भी मैं शेर का बच्चा है शेर के बच्चों फटे लमकाने की लड़ नहीं होंगी उन्होंने सर्टिफिकेटा की लड़ नहीं पीती लड़ उन्होंने पीती जी अपनी पछाण छड़ जाते हैं तो की करना है आप पछाण कायम करनी है गुरु के हुक्म च जीवना सीखना है सादगी का जीवन जीवना है सादगी के जीवन तो मेरा मुराद है कि आप दिखावा नहीं करना दिखावे दे विच आपां प्रीत हो गए दिखावा कौन करता है दिखावा वो लोग करते हैं जिन्हों को ताकत नहीं जेड़े लोग ताकतवर हो जिड़िया कौमों को राज हो दिखावे नहीं करदियां अज मैं पत्रकार साहब ने सवाल किया मैं बहुत हैरान हूं इस सवाल तो वो कहते भी तुम आ बाणा पा लिया है तो मैं उन्होंने पूछा सवाल से मैं करा कि तुम पेंट कमीजा का तो पालिया तो सा पहरावा नहीं तो उल्टा सवाल तुम मिलू करी जाते जो कि जरा बाणा सिखा का तुम क्यों पा लिया गुलामी की इंतहा देखो कि जेड़ा बाणा सदियों तो पा रहे हैं सिख जे अज कोई सिख नौजवान पाता उसे सवाल है तो सवाल मैं तो सब कहने कहने पेंट कमीजा खिलार के करना चाहिए सी कि यह कि गुरु ने बख्शी है जी बाणा तो गुरु ने बख्शिया अनीला बाणा सर्वोत्तम बाणा यह जो गुरु ने सानू दिता है जिड़िया आप पेंट कमीजा पा लिया जीन दिया पेंटा पा लिया मैनू इतराज नहीं जी सदके पाओ पर मैनू हैरानी उदों हुंदी है कि जो तुम बाणे वाले सिंघां नू सवाल करते हो कि तुम बाणा क्यों पाया यह सवाल केस वाले करते हैं कि तुम केस क्यों रखे ने सवाल तो यह है भी तुम कटाए क्यों ने असी तो रखे ने महाराज ने पूछे ने कटाने वाले को सवाल हो जिसे तुम केस कदर क्यों कराए तो इस करके गुलामी की यह इंतहा है कि असी सवाल भी पुठे कर लग पे जिन्होंने सवाल होने चाहिए सी वह सवाल करी जाते हैं तो आप जे तो गुरु के लेखे लगना है जे तो गुरु के हुक्मों चलना है फिर तो यह गल का तहैया करिए गल का फैसला करिए कमर कसा करके ठंडे पाटे की पौ छकनी है कल इतने गुरु अर्जन देव पातशाह का गुरद्वारा सनी इनकलेव के बिच उत्थे अमृत संचार होना है जो मेरी नौजवानों को अपील है कि तुम उत्थे बढ़ चढ़ के हिस्सा लाओ भैनों को अपील है भी तुम भी पहुंचो कई बंदे कहते भी तुम भैनों को बेनती नहीं करते मैं यह गल कहना भी बेनती मेरी सारियां नूं है किसी कल्ले बंदे नूं नहीं ना भैन नूं ना बंदे नूं कि लिंग पलिंग च असीं नहीं पैणा साडा मकसद है गुरु के सिखां नूं सुनेहा देना ते गुरु के सिख बंदे जनानियां नहीं कहते सारे गुरु के सिख ने तो आपां कोई वखरा सुनेहा किसी नूं नहीं देना नौजवानों नूं मैं खास अपील तां करदा वार वार कि यह नशियां च ग्रसे ने यह वाला गलती करन ते आपां जोर दित्ता होया आपां सुधरीए सुधर के गुरु के नाल लगीए अपने हाथों की गल करिए जे राज लैना
मैं बहुत स्टेजों पर गल कह चुका इतों भी कह देना है राज उस दिन आना है जितन असी राज करन जोगे हो गए जितन असी खालसे बन गए उस दिन खालिस्तान आपे बन जाना है खालसे बनने की सब तो पहली शर्त की है खालसे बनने की सब तो पहली शर्त है खंडे पाठ की पौल छकनी नशे त्याग के नाम पानी के धारनी बनना वाहगुरु मंत्र जरा वा उन्होंने दृढ़ करना फिर सीस तली धर के लड़न लिये मरन लिये तैयार होना हुकूमता कहिंदियां तुसीं भड़काउंदे जो नौजवानां नूं मैं गल कहा भी हां जी भड़काउंदे आ मैं चाहुंदा भी नौजवान भड़कण भड़क के गुलामी दी पछाण करन पापियां नूं जिहड़े नौजवान ने उह सोधण इह मेरी मन दी इच्छा है क्योंकि गुरु दा हुक्म है ते जे तुसीं चाहुंदे जो ते चुप चपीते नौजवान जिहड़े ने नार च नशे दा टीका पा के मर जाण रोज सैकड़े मरदे ने जे तुहानूं कुछ भड़काहट नजर नहीं आउंदी ते मेरी एक गल च भड़काहट नजर आ जाती है ते फिर तुसीं सानूं सदीवी गुलाम रखना चाहुंदे असीं गुलाम देना नहीं तो खालसा जी यह फैसला कर लियो कि आजादी रहनी है कि गुलाम रहना है ते जे आजादी रहनी है तो आनंदपुर घरे वन तो बिना कोई हल नहीं है सौ बहाने कर लो सौ अपने मन के नाल तुसीं सहमत कर लो सौ तुसीं कहो सौ तुहाडे कोल जायज तुहानूं तरीके होण कि असीं क्यों नहीं जुड़ लग रहे एक ही सारे जो एक ही तर्क है जो मैं केस कदर कराए थी देखो सौ तर्क से केस कदर कराने दे कि जी देखो सवेरे पग नहीं बनी जाती केसा ना बंदा जरा वा उदर का लगता है तो जिदन रखे ने उदर कोई तर्क नहीं सी उदर केवल गुरु का हुक्म सी मैंने किसी ने पूछा भी केस क्यों रखने में तो फायदे की है मैं क्या फायदा नफा नुकसान उदो देखिए जे गुरु का हुक्म ना हो फायदा नफा नुकसान घर खरीदन लगे देखिए फायदा नफा नुकसान कार खरीदन लगे देखिए जेड़ा गुरु का हुक्म हो गया कि तुसी केस रखने ने सिखां ने बाहां वढ लैणियां आपणियां ते फिर भी वढणियां सी ते उहने ते हुक्म कीता संपूर्ण करन दा अधूरे नहीं कीता अधूरे असी आप हुंदे आ उहने संपूर्ण रहण दा हुक्म कीता उहदा हुक्म मनणा हर सिख दा फर्ज है कोई किंदों नहीं कर सकदा उत्ते इस करके आपां उहदे हुक्म चलीए हुक्म च रहांगे उहदी रजा च रहांगे ते कोई साडा वाल रंगा नहीं कर सकदा जे उहदी रजा चों बाहर रहांगे ते जिवें असीं पुट खा रहे आ मार खा रहे आ ते पैंदी आऊगी तो इन्नियां क बेनतियां खिमा दा जा सिखा ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।